यजू भाई थैंक यू सो मच यजू तुझे चाहिए दे जा ले नास्ती ना यजू ले सैनिटाइजर है क्या हाँ है। 16 जून को हमारा बेबी का डिलीवरी हो गया था ले SNM हॉस्पिटल में। अनफॉर्चुनेटली जो बेबी का जो फूड पाइप का कुछ प्रॉब्लम था उसका वजह से SNM हॉस्पिटल में इलाज कर नहीं सका, फिर इसलिए दिल्ली ट्रांसफ़र किया। जैसे डॉक्टर का सजेशन था कि माँ का दूध देना बहुत इम्पोर्टेंट था, तो 20 डेज से हमें रेगुलर माँ का दूध जो ले से ला रहा है और जो दिल्ली एयरपोर्ट से हम पिकअप करके एवरी डे पी रहा है। अभी बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, माँ बाप होने के वजह बच्चा को ऑफकोर्स लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबिलिटीज हमारे से क्या होता है वो देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें हमारा जो डॉक्टर लोग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसका वजह से अभी बच्चे बेबी जो है नॉर्मल में है, अभी कुछ ही दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। I spoke to the mother and we spoke to the father, so they understood the importance of arranging breast milk. So it's such a great thing to know that, you know, mother is able to express a good amount of milk every day, and it's coming by air. Strangers are complete strangers on the flight are helping father transport milk from Ladakh to us, and baby has got almost 90%, you know, breast milk. इस बच्चे के लिए जहाँ की माँ लेह लद्दाख में है और बेबी यहाँ पे है, तो रेगुलरली माँ का दूध मंगवा पाना और 80-90% दूध सिर्फ माँ का मिल पाना बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा इसमें इस बच्चे की रिकवरी में काफ़ी हेल्पफुल हुआ इतने ड्यूरेशन में। बीच में एक बार इसका हमें लगा कि जो इंसीजन साइट है उससे लीक भी हुआ है मिल्क, पर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से वो इम्प्रूव हो गया और उसमें माँ का दूध भी एक मददगार सिद्ध हुआ है।